18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं रविंद सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक आते ही राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चल रहा है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और चुनावी जंग भी तेज हो चुकी है। चुनावी मैदान में उतरे दावेदार एक दूसरे पर ताल ठोक रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसी कड़ी में सोमवार को आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद चौधरी बाबूलाल ने बसपा के पूर्व कदावर मंत्री रामवीर उपाध्याय पर खड़ा हमला बोला। जुबानी जंग करते हुए कैमरे के सामने बेबाकी से बोलने वाले सांसद चौधरी बाबूलाल ने बसपा के पूर्व कदावर मंत्री रामवीर उपाध्याय के लिए साफ कहा कि रामवीर उपाध्याय की पहले औकात क्या थी और आज अरबों का आदमी कैसे बन गया। इस मामले में सांसद चौधरी बाबूलाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि रामवीर उपाध्याय के परिवार की जांच हो और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में थाना सागंज में पूर्व कदावर मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई विनोद उपाध्याय और उनकी पत्नी सरोज उपाध्याय पर मुकदमा लिखा गया था, जिसको लेकर सांसद बाबूलाल रामवीर उपाध्याय को चौतरफा घेरने में लगे हैं। सांसद चौधरी बाबूलाल ने तो यहां तक कह दिया कि यह लोग दो नंबर और चार नंबर में काम करने वाले हैं, मगर बकरा की अम्मा कब तक बसात बांटेगी। यानी अब चौधरी बाबूलाल ने रामवीर उपाध्याय के लिए वाहे चढ़ा ली हैं और राजनीतिक मैदान में अब एक दूसरे को ललकारा जा रहा है। सपा और कांग्रेस चूंकि एक गठबंधन से, क्या स्थिति बनने वाली है? नहीं, वो बस स्थिति कोई बनने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की का कैंडिडेट जीतेगा और 200% आदरणीय मोदी जी की 2019 में दोबारा फिर से सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर किसी के आदमी के दिल में संदेह है तो वो उस शंका को निकाल के बाहर फेंक दे। अभी हाल ही में एक मुकदमा दर्ज हुआ है रामवीर के भाई पर, विपक्ष उस पर तमाम कमेंट। नहीं, रामवीर के ऊपर और रामवीर के भाई के ऊपर मुझे ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनका इतिहास रहा है इस तरीके का, और जो आदमी जैसे कर्तव्य करेगा, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, जो दो नंबर के या चार नंबर के काम करेगा, तो पुरानी देहाती कहावत है कि बकरा की अम्मा कब तक प्रसाद बांटेगी। कहीं ना कहीं उसको चोर कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो मुकदमा ऐसे एक नहीं, इन पर कायदा से इनकी अगर जांच कराई जाए तो इन पर मुकदमाओं के ढेर लग जाएंगे। कोई आदमी किसी टाइम पे कितनी औकात में था और आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये सब दो नंबरों के काम से ही प्रॉपर्टी बनी है। तो मैं तो कहना चाहूँगा सरकार से, अपनी से कायदा से ऐसे लोगों को की जांच करानी चाहिए कि इन पर इतनी अथाह संपत्ति कहाँ से आई। आगरा से आमिन अली की खास रिपोर्ट।